हेलो एंड वेलकम टू राजश्री फूड। आज हम बनाएंगे वेज हॉट डॉग। सो एक चम्मच तेल गरम करते हैं पैन में। तेल गरम होने पर इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने एक बड़ा प्याज लिया हुआ है। प्याज को ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कसी हुई 4 लहसुन की कलियां, बाकी के वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, बारीक कटा हुआ गाजर, 8 से 10 बारीक कटी हुई फंसी। ये सारे वेजिटेबल्स को 2 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ बड़ा टमाटर जिसके सीड्स मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3 बारीक कटी हुई मिर्च। वेजिटेबल्स के हिसाब से फिलहाल नमक डाल ले। इसे हम ढक के 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, जब तक फंसी और गाजर हाफ कुक नहीं हो जाते। वेजिटेबल्स को चेक कर लेते हैं। टमेटोज थोड़े सॉफ्ट हो जाने चाहिए और उसमें से सारा मॉइस्चर सूख जाना चाहिए, तब तक हम उसे पकाएंगे। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ओरेगानो, आधे नींबू का रस। इसे अच्छी तरह से मिला ले। इसके बाद हम इसमें डालेंगे राजमा। मैंने आधा कप राजमा को भिगा के प्रेशर कुक कर लिया था और ठंडा होने पे उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया। वेजिटेबल्स और राजमा को अच्छे से मिला ले। इसके साथ मैं डालूंगी 1 उबला हुआ आलू जिसे मैंने मैश कर लिया है। जब तक ये मिक्सचर हल्का ड्राई नहीं हो जाता तब तक हम इसे पकाएंगे और साथ में ही इसे थोड़ा थोड़ा मैश भी करते रहें। राजमा और आलू का मिक्सचर काफी ड्राई हो गया है और अभी हम गैस बंद करके इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम इसका डिप बना लेते हैं। इसके लिए हम 3 चम्मच मेयोनीज ले लेंगे। ये एगलेस मेयोनीज है। इसमें 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 2 चम्मच बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 1 चम्मच बारीक कटी हुई सेलरी, बारीक कटा हुआ धनिया, 1 बड़ी चुटकी नमक सिर्फ वेजिटेबल्स के लिए, 2 बड़ी चुटकी काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून ओरेगानो। ये सारी चीजों को अच्छे से मिला के आप इसे फ्रिज में रख दें। ये राजमा का फिलिंग ठंडा हो गया है। इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 चम्मच कसी हुई मोजरेला चीज, या आपके पास जो भी चीज है आप वो डाल सकते हैं। तो राजमा और आलू के हिसाब से थोड़ा सा और नमक और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस ब्रेड की मिक्सी में चर्न की हुई है, इसकी आधी क्वांटिटी मैं इसमें डाल दूंगी और बाकी का मैं रोल करने के लिए साइड में रख दूंगी। ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले। अगर आपको आपका मिक्सचर बहुत ही ज्यादा नरम लगे तो आप इसमें थोड़ा और ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। ये मिक्सचर अच्छे से तैयार हो गया है। अभी हम हाथ में हल्का सा तेल ले लेंगे। अपने ब्रेड के साइज के हिसाब से हम सॉसेज जैसा लंबा रोल बना लेंगे और इसे हम अच्छे से ब्रेड क्रम्स में भी रोल कर लेंगे। इस तरह से आप अपने सारे रोल तैयार करके रख सकते हैं। हमारे वेज रोल्स तैयार है और अभी इन्हें रोस्ट करने के लिए मैंने एक पैन को गरम किया है। उस पे डालेंगे तेल। तेल गरम होने पर हम इस पे डालेंगे सारे रोल। इसे हम हर साइड से अच्छे से कुक कर लेंगे। जब तक ये ब्रेड रोल्स रोस्ट हो रहे हैं हम ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। आप ब्रेड को
भारी तरफ से हल्का सा बटर लगा के उसे तवी पे हल्का रोस्ट भी कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही खा सकते हैं। ब्रेड को हम बीच में से कटिंग कर लेंगे और इसे हल्का सा खोल लें। इसमें से मैं थोड़ा सा ब्रेड बीच में से भी निकाल देती हूँ ताकि आप इसमें अच्छे से सारी फिलिंग्स डाल सके। अब हम इसमें डालेंगे मेयोनीज डिप, दोनों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर ले। ये वेज रोल्स भी तैयार है। इसे ध्यान से उठा के हम ये ब्रेड में रखेंगे। अब हम गार्निश करेंगे इसे मस्टर्ड सॉस के साथ और थोड़ा सा केचप भी, और ये आपके वेज हॉट डॉग्स तैयार। ये काफी अच्छा टिफिन स्नैक भी है, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू राजश्री फूड। बाय बाय।